भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश अंग्रेजों की गुलामी से एक ही दिन आज़ाद हुए थे। ऐसे में क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि एक ही दिन आज़ाद होकर पाकिस्तान 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाता है? बात भारत के इतिहास में दर्ज हुए उस दिन की करते हैं जब हमारे देश को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी मिली थी और इसी दिन पाकिस्तान एक नया पड़ोसी मुल्क बनकर उभरा था। यानी कि एक ही दिन आज़ाद होकर भी पाकिस्तान एक दिन पहले कैसे आज़ाद हुआ? ये सवाल कई लोगों के जहन में जरूर आता होगा, तो चलिए हम अपने चैनल के जरिए इस बात को साफ करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान 14 अगस्त को ही क्यों मनाता है स्वतंत्रता दिवस। दरअसल भारतीय स्वतंत्रता विधेयक में 15 अगस्त 1947 की तारीख दोनों देशों को ब्रिटिश हुकूमत से मिली थी और इस अधिनियम के जरिए किए गए पहले स्टैंप में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में उल्लेख किया, जिसके बाद पाकिस्तान को अपने पहले पते पर एतराज था। उस समय जिन्ना ने कहा था कि 15 अगस्त पाकिस्तान की स्वतंत्रता और संप्रभु राज्य का जन्मदिन है, जिसके बाद 1948 में पाकिस्तान ने 14 अगस्त को कराची में सत्ता के हस्तांतरण का आयोजन किया और 14 अगस्त 1947 को मुस्लिमों के एक बहुत पवित्र त्योहार रमजान को 27वां स्थान दिया गया था, जिसके बाद से ही पाकिस्तान में 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा, जो कि आज तक इसी तारीख में मनाया जाता है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।